श्रीवास्तव की हालत अभी भी उसमें थोड़ा सा मामूली सुधार आया है। दिल्ली के एम्स में इस वक्त राजू श्रीवास्तव भर्ती हैं, सपोर्ट सिस्टम पर हैं। दो ऑक्सीजन सिलेंडर उन्हें लगाया गया है, शुक्रवार को एक सिलेंडर हटा दिया गया। हालांकि अभी ब्रेन काम नहीं कर रहा है, डॉक्टर्स की टीम लगातार निगरानी बनाए हुए है और हर कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उनकी हालत में सुधार आ जाए। इस बीच राजू श्रीवास्तव के फेसबुक पेज पर उनके परिवार के लोगों ने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें लिखा है कि राजू श्रीवास्तव जी की तबीयत स्थिर है, हम उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। डॉक्टरों की टीम अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ उनके स्वास्थ्य का ख्याल रख रही है। आप सभी शुभचिंतकों को उनके निरंतर प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। आप सबसे अपील है कि अफवाहों फर्जी खबरों पर ध्यान ना दें। कृपया राजू श्रीवास्तव जी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। राजू श्रीवास्तव का परिवार, तो राजू श्रीवास्तव के परिवार की तरफ से अपील की गई है लोगों से भी कि राजू श्रीवास्तव के लिए दुआ की जाए। और बातचीत करने के लिए दिल्ली से सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, दुआओं का दौर लगातार जारी है और अब थोड़ी सी अच्छी खबर आई है कि राजू श्रीवास्तव की जो सेहत है उसमें थोड़ी सी सुधार हो रही है, क्या खबर मिल रही है इसको लेकर, डॉक्टरों ने कुछ बताया है? जी देखिए नीलू, बिल्कुल सही कह रही हैं, राजू श्रीवास्तव के सुधार हुई है हेल्थ में। हालांकि ये जानकारी डॉक्टरों की तरफ से जो हमें मिल रही है उस जानकारी के मुताबिक नीलू ये है कि कल रात में राजू श्रीवास्तव के कंधे में और उंगली में थोड़ा सा मोमेंट देखने को डॉक्टर्स को मिला था, जिससे डॉक्टरों में थोड़ा सा होप जरूर जगा। जैसा आप अभी बता भी रही थी कि एक जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो फिलहाल हटा दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उनके फिलहाल स्वास्थ्य पर लगातार देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो लगातार नज़र बनाए हुए हैं। परिवार की तरफ से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लगातार लोगों से ये अपील कर रहे हैं और हर समय वो लोगों को ये जानकारी दे रहे हैं कि राजू श्रीवास्तव का सुधार कैसा है, अभी स्थिति कैसी है, लेकिन अभी भी जो ईश्वर की दुआ है उसको करने की ज़रूरत है, क्योंकि राजू श्रीवास्तव को कहीं ना कहीं लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। अभी भी वो डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में हैं, लगभग 12 टीमें डॉक्टर्स की हैं जो इस पूरे मामले में जांच कर रही हैं, पल्स रेटिंग देखे जा रहे हैं, जो ECG है वो फिलहाल लिया जा रहा है, लगातार जो डॉक्टर्स हैं वो मॉनिटर कर रहे हैं। 6 राउंड के डॉक्टर्स जो हैं वो लगातार हर एक राउंड पर आकर राजू श्रीवास्तव की सेहत पर लगातार डॉक्टरों की नजर है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द राजू श्रीवास्तव ठीक हो जाए। उनकी फैंस की भी यही दुआएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशील हमारे साथ जुड़ने के लिए।